भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चंद्रमा विजय के बाद एक और बड़ी उपलब्धि, रवाना हुआ भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। PSLV C-57 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग। सूर्य के रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे भारतीय वैज्ञानिक, आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण का करेगा अध्ययन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। छह सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी का दो दिवसीय इंडोनेशिया का दौरा, जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर में जारी किया कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र। भूपेश बघेल सरकार पर लगाया कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों के नाम पर सिर्फ धोखा देने का आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर किए जमकर हमले, कहा राज्य में नहीं बची कानून व्यवस्था, इसको सहन नहीं करेगा राजस्थान। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली पुलिस आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल, अनेक यातायात प्रतिबंध लागू। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी, भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, DD न्यूज देख रहे हैं आप। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल भारत के पहले सौर मिशन की सफल लॉन्चिंग की खबर के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चांद के बाद अब भारत जो है वो सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपने कदम भी बढ़ा दिया है। आदित्य L1 चार महीने की अवधि में लैंग्वेज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे भारी परत अर्थात कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनल हीटिंग की समस्याओं को समझने में भी मदद मिलेगी। आदित्य L1 को ले जाने वाला PSLV C-57 XL संस्करण है, जिसमें ज्यादा मात्रा में ईंधन ले जाने के लिए लंबी स्टेप ऑन मोटरें हैं। PSLV XL संस्करण का इस्तेमाल 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट को लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष
और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को आदित्य L1 की सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। इस मिशन में हमारे देश में विज्ञान से जुड़ी कई संस्थाओं ने भी हर मुमकिन तरीके से इस मिशन में अपना योगदान दिया है। इंडियन साइंटिस्ट्स हैड बीन वर्किंग टॉयलिंग डे एंड नाइट फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर, बट नाउ कम्स द मोमेंट ऑफ विंडिकेशन, द मोमेंट ऑफ रिडीमिंग द प्लेज टू द नेशन एंड कमिंग क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सक्सेसफुल चंद्रयान 3 लैंडिंग। The successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. रायपुर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी है। सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं अभी अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य L1 मिशन की लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन की लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से भारतीय और खबरों का आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त रायपुर में आदिवासियों का एक सम्मेलन इस वक्त आयोजित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। सुनते हैं उनको। क्यों भाई, सराय पाली वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, उन तक आवाज जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जरा जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर भाजपा सरकार बनाने के निर्णय की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित भाई, अब बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अरुण
साहु जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में साथी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महासमुंद श्रीमान चुनीलाल साहू जी, सांसद राज्यसभा ओडिशा से आज यही समाज के उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। भाई श्री निरंजन बसी जी, निरंजन भाई खड़े हो गए, ताली बजाओ निरंजन भाई के लिए। आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं सब खड़े होना, भाई श्री प्रेमलाल सीतार जी, ताली बजाओ भाई, जयदेव भोई जी, एनपी नेहरो जी, डॉक्टर हेमंत भोई, केदार कश्यप जी, बहन सरला जैन, महेश गांगरा और अलताबेन चंद्राकर जी। और आज जहां तक नजर पड़े वहां तक मेरे आदिवासी भाइयों के बूंद ही बूंद दिखाई पड़े हैं। सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी बड़ादेव और बूढ़ादेव के चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की भूमि के वासियों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं जब यहां आया हूं तब छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात के सभी आदिवासी भाइयों बहनों के मन में जिस मां सबरी के लिए बहुत श्रद्धा है, वो राम भक्त मां सबरी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की है। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं, आज इसलिए एक अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो। यह अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ बात। मित्रों, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को सवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को, कितना मिलता था बताओ भाई, अरे जोर से बोलो कितना मिलता था। रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण करने का काम आदिवासी के लिए। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा आए यहां पर, कुछ ना कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार पर
कायरवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करनी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचारी देश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं करता था। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू करकर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत। कोरोना आया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों की चिंता करी। भाइयों बहनों, बताओ दोनों टीका आपको लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जिसको दोनों टीका मोदी का लगा वो हाथ ऊपर उठाए, जरा लगा है ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? और ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भी बताओ? कौन खा गया? जो तुम्हारे कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खाता है उसको वोट देना चाहिए, जो तुम्हारे देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार ला। गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासी के चावल चोरने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को, ये भगवान राम का नैनी हाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए अपनी नीति स्पष्ट की। आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति और इसीलिए धनुहाट, धनुवाद, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइया, भुइया, भुयान और पंडो जाति को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब पीढ़ियों तक आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल, आप कुछ नहीं करते हो, हमारे भुइया और भुइया, भुवान और पंडो, धनुवार और धनुवार, किसान सोरा और बिंजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। इतने सालों से मध्य प्रदेश से अलग हुए तब से 2003 से
अन्याय को तोड़ा तोड़ा जीतना उनका अधिकार था, इससे दूर करा, सर्कुलर निकाला, मगर इससे शिक्षा के लाभ नहीं मिलते, नौकरियां नहीं मिलती थी। मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में बिल पास किया और आज आप सभी को पीढ़ियों तक नौकरी भी, शिक्षा भी और विकास के काम भी मिलने का अधिकार हो गया है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद का ताली लगाइए, मेरे साथ बोलिए धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए, जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए और पहली बार हमारे पास वाले ओडिशा से ही एक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी आजादी के 75 साल तक एक गांधी परिवार की सरकार रही। कोई आदिवासी बेटी को, कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया, मोदी जी को मौका मिला द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी ने किया। बहन रेणुका भी यहां पर भी है, यही के जनजाति समाज की बहन है, उनको भी सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। परंतु इसीलिए चिन्ना गेलू, पीने मोर, हिरोली, बेदरे, दुख मरका, तोंडा मरका, ये सारे गांव में कई सालों के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोदी जी की कमाल है। मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट, एसटी कंपोनेंट का बजट 24,000 करोड़ कांग्रेस छोड़कर गई थी। कितना था भाई बोलो, जोर से बोलो। मोदी जी ने 24,000 से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के पीछे 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपया एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के लिए खर्चा किया और डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई, ऑनलाइन निगरानी परिस्थिति प्रणाली लाई और जो मिनरल पर जो खदानों में से मिनरल निकलता है उसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक सिकल सेल को समाप्त करने की योजनाएं लाए। और हमारे जब भ्रमण सिंह जी थे तब ढेर सारे आदिवासी विकास के काम भ्रमण सिंह जी ने किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेंदू पट्टा को तोड़ने वाले भाइयों के पैर में, बहनों के पैर में चरण पादुका देने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, तेंदू पट्टा का जब बात निकला है तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बार रमन सिंह जी आपको बोनस बारंबार मिलता था 2020 और 21, ये आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने बड़ी ऊंची कीमतों का लाभ तेंदू पत्ता का नहीं लिया, बोनस नहीं लिया। और कांग्रेस ने दो वर्षों में
बोरा 32 लाख मानन बोरा 23 लाख मानन बोरा ही खरीदा है और भारतीय जनता पार्टी 17-18 में 32 लाख मानन खरीदी थी। ये 14 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के पेट पर लात मारने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया है। दो जीवों की छीनी है और 2017 में वन समितियों को माना कोड़ा 8,000 रुपया मिलता था, वो घटकर भूपेश बघेल सरकार में 6,000 रुपया मात्र रह गया। ये मैं आज मेरे आदिवासी भाइयों के लोगों को बताता हूँ। भूमि वितरण वन अधिकार पट्टा भी 18 से 22 13,692 की औसत दर से 54,700 बांटा था और 8 से 18 के बीच में हमने करीब गुना 40,158 की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इलाज के अभाव में 40,000 बच्चे और माओ का मृत्यु भूपेश बघेल की ही सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हुआ। मुझे बताओ भाई, इतना सारा गलत काम जिसने आदिवासियों के लिए किया हो वो सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जो देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों मुझे बताओ, आदिवासियों के घर में शौचालय किसने भेजा? जो जरूरत किसने भेजा? बिजली किसने भेजी? गैस का सिलेंडर किसने भेजा? 5 किलो धान किसने भेजा? 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठा रहा है? जो जरूरत कौन उठा रहा है? आदिवासी कल्याण के सारे काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल बाबा आदिवासी एरिया में आकर, क्षेत्र में आकर आदिवासी भाइयों के साथ नृत्य करने से आदिवासियों का भला नहीं होता है, होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? माताओं भाइयों बहनों, कांग्रेस से ढेर सारे प्रश्न लटकते रखे, इनकी लालची नजर आदिवासी भाइयों की जमीन पर है। कई सारे कांग्रेसी नेता आदिवासियों की जमीन हड़प कर गए सालों तक अपने स्वार्थ के कारण। वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्ति की और ले जाने का काम किया। और भूपेश बघेल सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार। मेरे साथ बोलिए, भूपेश बघेल सरकार कैसी है? जोर से बोलिए, कैसी है? सड़क काम में 2,000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के आदिवासियों के अनाज में 5,000 करोड़ का घोटाला किया, गोकाल में 1,300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में नहीं होता था। मुझे बताओ, ऐसी भूपेश सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? अगली बार किसकी सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, किसकी बनाओगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अंत में मैं कहता हूं, ये 12 जातियों को
जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करना था छत्तीसगढ़ से गए हुए कांग्रेस के एक भी राज्यसभा के सांसद इसके समर्थन में नहीं थे, वो वॉकआउट कर गए। कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे कि हमने क्या बिगाड़ा था, मोदी जी इतने सालों के बाद हमें आदिवासी स्टेटस देते थे, आप कहां भाग गए थे, इसका जवाब मांगे। माताओं भाइयों बहनों, आज आप मोदी जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे आए हैं, जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सभी का सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जोहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी समाज जनजातीय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान सीधे तौर पर कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, साथ ही कई तमाम आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने बताया कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार थी, जब रमन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो कितनी सारी योजनाएं वहां के आदिवासियों के लिए चलाई गई और मोदी सरकार की तरफ से भी कितनी सारी योजनाएं आदिवासियों के लिए चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से भारतीय वैज्ञानिकों में उत्साह का माहौल है, और इस पर वैज्ञानिक और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर जगदेव सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आयशा खानम ने, आपको सुनवाते हैं। इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण से पूरा भारत और पूरा देश इस पर गर्व करता है, और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक हो या फिर इस पेलोड से जुड़े तमाम वैज्ञानिक, इस पर काफी गर्व महसूस करते हैं कि आखिरकार इतने सालों से उन्होंने जो सपना देखा था, आज वो सपना आदित्य L1 मिशन के जरिए सपना पूरा हुआ। मेरे साथ हैं डॉक्टर जगदेव सिंह, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। हम बहुत खुश हैं, जो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो अब ये L1 की तरफ जा रहा है, एक 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, तो फिर एक मेजर चैलेंज होगा उसको ऑर्बिट में इंस्टॉल करने का। ऐसे है कि डाटा जब हमें 5 महीने के बाद आना शुरू हो जाएगा, तो जो डाटा आता है वो बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, क्योंकि डिटेक्टर कम्प्लेक्स हैं, बाइनरी फॉर्मेट में आता है, तो उसमें हेडर इन्फॉर्मेशन होती है, सैटेलाइट पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, वो सारा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, वो सारा उसमें करना पड़ता है, उसके बाद उसको डाटा को यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं हम, ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी उस डाटा को यूज़ कर सकें। उन खाली साइंस पार्ट से नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट भी है। तो जो अब जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो उससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो जो ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी तो इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये सब एंगल से इम्पॉर्टेंट है, खाली साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, उन सब से के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरफ लूनार इकोनॉमी और दूसरी तरफ सोलार इकोनॉमी। इधर डॉक्टर जगदेव सिंह बता रहे थे कि कैसे ये जो सोलार मिशन है न केवल वैज्ञानिकों की रिसर्च का हिस्सा है, बल्कि ये इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति को और बल देगी, और जो सोलार इकोनॉमी होगी इसके चलते इसके एसोसिएट इंडस्ट्रीज होंगे, इन्हें काफी बल मिलेगा, और आने वाले दिनों में खासकर छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण डेटा इतना होगा कि उनके पास, कि वो अब आगे चलकर सूरज और चांद को मुट्ठी में करना, जो एक कहावत होता है, उसे सच करने का सपना भी देख सकते हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। भारत का मिशन चंद्रयान भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
चंद्रयान 3 पर सरकार ने अब महाक्विज का ऐलान किया है, जिसमें हिस्सा लेकर आकर्षक इनाम भी आप जीत सकते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप कितना जानते हैं, चंद्रयान 3 महाक्विज में भाग लेकर अपनी जानकारी परखें और आकर्षक नगद राशि जीतें। विजिट करें myGOV.in/चंद्रयान3/ पर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को इंडोनेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के निमंत्रण पर हो रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे कि इंडोनेशिया आसियान का अध्यक्ष है और इसी की मेजबानी में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इन बैठकों के दौरान आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश के तमाम शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नगद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान में परिवर्तन संकल्प रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने जनता को केवल और केवल भ्रष्टाचार एवं अपराध से भरा माहौल दिया है। आज राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो अब बीजेपी की सरकार चाहती है। आपको सुनवाते हैं। जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने आदित्य L1 मिशन की लॉन्च पर सभी देशवासियों और वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफल पूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से, आप सब लोगों के माध्यम से, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं और इस यात्रा की शुभकामनाएं हम सब देते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सभा को संबोधित किया। नड्डा ने शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर से मिट्टी लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर एक वार्ड के जो शहीद हैं उनका शिलापट तमाम वार्ड में लगाया जाएगा और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का ये बड़ा अवसर होगा। हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में, जहां देशभक्त, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा शहीद जो देश की रक्षा करते हुए प्रहरी के रूप में शहीद हुआ हो, जिसने शहादत दी हो, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कोई जवान जो समाज के अंदर समाज की रक्षा करते हुए शहादत दी हो, कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो,
इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना है। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ बर्बरता की घटना की निंदा की है। महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने तथा भारतीय दंड संहिता प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने 5 दिनों के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतापगढ़ की इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुटिया झगड़ों को निपटाने में व्यस्त हैं और बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में व्यतीत हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। राजस्थान की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी। वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई घटना को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी शर्मनाक पूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो, महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। और होता क्या है, इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है, कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि बरदोगा प्रदेश है। आप कब तक सुबाओगे आपके अपराध, अब नहीं सहेगा राजस्थान जिस प्रकार की घटना उस निचला कोटा फला में हुई है। मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है लेकिन कांग्रेस सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके ये हरकत में आए, तब जाके इन्होंने कुछ करना शुरू किया। ये लगातार हो रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी इंसिडेंट को देख लीजिए, पुलिस तभी कुछ कार्रवाई करती है जब इनको लगता है कि अब तो अति हो गई, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या पता सरकार को रिजाइन करना पड़ जाए, इसलिए अब हम कुछ करते हैं। इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है, सरकार का प्रशासन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही। आप देखिएगा कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, महिला अत्याचार का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रही हैं। चाहे क्राइम की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, इनके मंत्री, इनके अधिकारी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो हमको सबको दिख रहा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता जयपुर से मुरारी गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुरारी, जिस तरीके से देखा जाए तो ये मामला जब सामने आया, ये वीडियो जब सामने आया तो बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले के सामने आने के बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद क्या अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल कृतिका, पिछले 2 दिन से लगातार इस घटना के बाद राजस्थान में सियासी हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है बैकफुट पे है, लगातार सफाई देने की कोशिश कर रही है कि एक अंदरूनी ये परिवार का मामला है, लेकिन आज जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने 10 लाख रुपए की जो पीड़िता को राशि देने की घोषणा की और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी देने की घोषणा करके एक इस मामले को कहीं ना कहीं सेटल करने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि डीजी ने कल जो बयान दिया उसमें कहा कि उनकी 6 टीमों की इसमें 6 टीमें पुलिस की बनाई है जिसमें लगभग 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया है और जो डीजीपी का कहना था कि ज्यादा जल्दी फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से जो दोषी हैं उनको सजा देने का काम पुलिस इसमें करेगी। अब आप सभी को बता दें कि पिछले यदि अगस्त की बात करें तो राजस्थान में जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर को लेकर देने के लिए।
और इसी के साथ चलिए अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बलिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन में शामिल लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के ईश निंदा कानूनों के तहत शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई और काराकोरम राजमार्ग को खोलने की मांग कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है कि गिलगित बाल्टिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ हो। वास्तव में ये इस क्षेत्र में नियमित घटना है क्योंकि वहां के लोगों ने समय समय पर दमन और उत्पीड़न के खिलाफ मुखर आवाज उठाई है। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट 4 सितंबर तक जमा कराने को कहा है। जनपद न्यायाधीश ने एएसआई को रिपोर्ट देने के लिए 4 सितंबर तक का समय दे दिया है। पहले ये रिपोर्ट आज जमा कराई जानी थी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 महिलाओं की याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी। मुंबई में कल संपन्न हुई विपक्षी दलों के गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक का कुछ नतीजा नहीं निकला और बहुत सारे मुद्दों पर नेताओं के दरमियान सहमति भी नहीं बन पाई। चुनावी हितों में टकराव, नेतृत्व, लोगो, रणनीति आदि पर विरोधाभास के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने में असमर्थता का डर भी विपक्षी दलों के गठबंधन को सता रहा है। इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने न सिर्फ संयुक्त प्रेस वार्ता का बहिष्कार किया बल्कि लगभग हर एजेंडे पर असहमति भी जताई। गठबंधन के समन्वय के लिए कल की बैठक में कई समितियों के साथ 14 सदस्यों वाली एक सह समन्वय समिति भी गठित की गई जिसका अभी तक किसी को संयोजक तक नहीं चुना गया है और इस बैठक में गठबंधन के लोगों का अनावरण होना था लेकिन उसको भी टाल दिया गया, जिस पर गठबंधन द्वारा कोई बयान अभी तक नहीं दिया गया है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मार्च 2023 को अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। मकसद था अलग अलग कारणों से सालों से रुके आवासीय प्रोजेक्टों की समस्या का समाधान निकालना। समिति ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट के आधार पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने खरीदारों को फ्लैट दिलाने की रूपरेखा तैयार करना भी शुरू कर दिया है। अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट का इंतजार उन लाखों लोगों को था जिन्होंने तिनका जोड़कर एक अदद छत का सपना संजोया। वे ख्वाब अभी भी अधूरे बिखरे पड़े हैं। उस हकीकत को पूरा करने के लिए कितने समझौते किए थे, बच्चों की फीस, अच्छी परवरिश, यहाँ तक कि समझौतों को ही जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो आशियाना मिल पाएगा? अमिताभ कांत की रिपोर्ट ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है। जैसे कि कमेटी ने कहा है कि जो OCCC नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बिल्डरों का पैसा बकाया है अथॉरिटीज़ के पास, तो उसको देखे बगैर OCCC जारी कर दिए जाएं और होम बायर्स को घर मिल जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। और दूसरा एक और अच्छा सुझाव इसमें ये भी है कि अगर वो NCLT में कोई प्रोजेक्ट जाता है तो जो प्रोजेक्ट के लिए जो लोग गए हैं उसी प्रोजेक्ट में केवल प्रॉब्लम हो और बाकी जो उस दूसरे प्रोजेक्ट हैं उस बिल्डर के उस पे उसकी आंच ना आए। समिति ने वर्षों से फंसे आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ अहम सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर अमल का इंतजार 4.12 लाख घर खरीदारों को है जिनमें 2.40 लाख केवल NCR में है। इन सभी फ्लैटों की कुल कीमत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे अहम कि सिफारिशें लागू होने के बाद रियल स्टेट सेक्टर पर लोगों का भरोसा बहाल हो सकता है। और जहां पे प्यूनिटिव एक्शन की बात है, मैं आपको अश्योर करता हूं जो भी एरेंट एंटिटीज हैं, चाहे वो बिल्डर हो या कोई और हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है और
तकड़ी की जाएगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अटके फ्लैटों को दिलाने की दिशा में संजीदा है। विशेषज्ञों की माने तो सरकार पहले चरण में राज्यों को चिट्ठी लिखेगी कि वे अपने यहाँ रेरा में इन परियोजनाओं का फिर से जरूरी रजिस्ट्रेशन दर्ज कराएं। रेरा आने के बाद बहुत चेंज आया, लेकिन रेरा से पहले जो ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट जो है चालू हुए और किसी न किसी वजह से रुकते रहे, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, किसानों का प्रदर्शन था और भी बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो होप ये वाली कमेटी की सिफारिश अगर लागू की जाती है तो एक जो है एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक सोल्यूशन रियल इस्टेट को देखने को मिलेगा। समिति की रिपोर्ट की माने तो इन परियोजनाओं में अटकने का बुनियादी कारण है कि ये प्रोजेक्ट वित्तीय मुनाफे का सौदा नहीं रह गई हैं। उनकी लागत बढ़ी है, परियोजना में देरी हुई है और संकट बढ़ता गया है। नतीजा है कि 4 साल से अधिक घर खरीदार अधर में अटके हैं। अमिताभ कांत की रिपोर्ट में कई पहलुओं को साधने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे अहम पहलू है कि जिन खरीदारों का फ्लैट इतने दिनों से अटका पड़ा है उन्हें जल्द से जल्द उनका आशियाना मिले। इसके अलावा दोषी बिल्डरों की एक सूची तैयार किया जाए ताकि जो रियल एस्टेट से जो लोगों का विश्वास घटा है उन विश्वासों की बहाली हो। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़ दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन के मामले को एनसीपी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। शरद पवार ने आज वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस प्रदर्शन के दौरान कल लोगों पर पथराव भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया था। इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा समिति गठित किए जाने का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भी इस पर विचार रखा था। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बढ़ जाएगा। वहीं आयोग के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनावों में 35 अरब से ज्यादा खर्च हुए थे और 2014 के बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों पर 33,72,00,000 रुपए का खर्च आया, जबकि लोकसभा चुनाव खर्च 29 करोड़ रहा। झारखंड विधानसभा चुनावों में 86 करोड़ खर्च हुए, जबकि लोकसभा चुनाव में करीब 90 करोड़ खर्च हुए। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए और तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1968 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए गए और ये सिलसिला उसके बाद में टूट गया, क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से उस दौरान भंग कर दी गई थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।